रिजल्ट देखना है विजय बाबू का। तो अभी हम अपना भाई का रिजल्ट देखने के लिए आए हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं एडमिट कार्ड, देखिए तो चेक कीजिए। मतलब अगर विजय अगर पास हो गया होगा ना तो पूरा एकदम खुशियाँ मनाते हुए आएंगे। क्या विजय? हाँ, बढ़िया से लिखा है ना। तो हम लोग इसीलिए सोचे कि हम लोग प्रज्ञा केंद्र जा करके पता करते हैं कि रिजल्ट कैसा आया हुआ है। मेरा भाई तो पूरा एकदम मेहनत करता था, पूरा अच्छा से पढ़ाई करता था। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुका है और देखिए आज बहुत दिनों के बाद मिस्त्री सब आए हैं काम करने के लिए। और मंडा था ना, उसके बाद एकदम कितना दिन बाद आए हैं आज काम करने के लिए। तो अभी हम लोग घर में मिट्टी भर रहे हैं दोस्तों। कलवट घर में जो ऊंच नीच है ना उसमें समतल होगा इसलिए मिट्टी भर दे रहे हैं। और देखिए भैया अभी मिट्टी कोड़ रहे हैं और बाबू भरते जा रहा है। देखिए कितना अच्छा से भर रहा है, वाह! ऐसा काम करने वाला होना चाहिए क्या बाबू? और इतना धूप है ना दोस्तों, तो अभी मिस्त्री सब आराम कर रहे हैं थोड़ा सा और भैया अभी कोड़ रहे हैं। इतना धूपे है ना कि क्या बताए, बहुत ज्यादा धूप है। नहीं सकेगा बाबू, तुम हटो, मिस्त्री सब भरेंगे। हाँ मिस्त्री सब भरेंगे, नहीं सकेगा तुम। अभी तक एको गमला नहीं भरा है बाबू। थोड़ा सा भरा है, थोड़ा सा सिर्फ भरा है। भैया इतना सारा मिट्टी कोड़ लिए हैं दोस्तों और अभी भर रहे हैं, अभी भर के ले जाएंगे। अभी एक ठो भाभी लेके जाएगी और एक ठो मिस्त्री लेके जाएंगे, दो ठो गमला है। धूप भी काफी लग रहा है। अब चप्पल पहन लीजिए, बहुत ज्यादा नीचे आती होगा, हो जाएगा। घी भी पूरा एकदम गर्म हो गया क्या मिस्त्री जी? पूरा एकदम तापा वाले जैसा लग रहा है ना, बहुत आग में तापा के लाए हैं। तो अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं दोस्तों और अभी भैया भर दे रहे हैं मिट्टी और ये वाला लास्ट है, ये वाला ले जाके रखेंगे और फिर खाना पीना खाएंगे मिस्त्री सब, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है एकदम पूरा, एकदम बहुत ज्यादा धूप लग रहा है। तो अभी मिस्त्री सब थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे और फिर उसके बाद काम में लगेंगे। तभी ये वाला लास्ट है, तो चलिए उठाइए। हाँ चलिए, बहुत ज्यादा धूप, इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है ना, हालत खराब कर दिया क्या मिस्त्री जी? बहुत हाँ, तो ये वाला फिर लास्ट ये वाला ले जाइए। क्या कर रहे बाबू तुम? कोड़ते चलो, कोड़ते रहेगा। चलो चलो, धूप नहीं लग रहा है, चलो खाना खाएगा। चलो चलो रहने दो, उसके बाद में करेंगे। हाँ हाँ चलो, मिस्त्री सब खाएगा। चलो तो अभी हम लोग सब लोग चलते हैं दोस्तों घर और खाना पीना खाएंगे और मिस्त्री सब को भी खिलाएंगे, पैर हाथ धोएंगे और चलेंगे। अभी पूरा एकदम धूप से परेशान हो गया, उधर आराम कर लेंगे तो एकदम पूरा ठंडा जाएंगे। दोस्तों हम लोग पैर हाथ धो के आ गए हैं घर और मिस्त्री सबको भी खाना पीना खिला दिया दोस्तों। और अभी हम लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, देखिए अभी भैया बैठे हुए हैं और मम्मी, और अभी हम लोग खाएंगे फिर थोड़ा देर बाद हम और भाभी। देखिए भैया अभी खा रहे हैं और हम लोग का सब्जी देखिए क्या बना है, बताइए भैया क्या? आज हम लोग का स्पेशल सब्जी बना है दोस्तों, कल जो हम लोग लिए है कोहरा उसी का सब्जी है। देखिए क्या ही मस्त लग रहा है, एकदम मजा आ जाएगा एकदम खाने में। और साथ में करेली का भुंजिया भी है दोस्तों, ये देखिए एकदम मस्त लग रहा है एकदम खाने में, क्या जी? करेली का भुंजिया और कोहड़ा का सब्जी है, कोहड़ा का सब्जी और भात भात। तो जल्दी से फटाफट खाते हैं दोस्तों क्योंकि भूख काफी लग गया है ना। हाँ, टेस्ट करके बताइए सब्जी कैसा है। हाँ खाने जा रहे हैं। अच्छा बना है, एक नंबर बना है कोहड़ा का सब्जी। बाबू बोलता है ना कोई भी चीज को एक नंबर बोलेगा, एक नंबर। हाँ, उंगली बोलेगा एक नंबर, उंगली दिखाएगा तो दो दो। तो चलिए जल्दी जल्दी खाइए फिर हम लोग भी खाएंगे। कोहरा का सब्जी बालक था ना, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खीरा जैसा था, तो खीरा जैसा एकदम लंबा था। हाँ हम तो ऐसा देखे नहीं किए थे, ऐसा भी होता है कोहरा, वो तो हम खाली गोल गोल देखे थे, एकदम चपटा चपटा एकदम बिकता है। नहीं यार, हम लोग का घर में भी फरता था पहले, तो अभी नहीं है, खत्म हो गया अभी। तो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं दोस्तों और अभी हम लोग जा रहे हैं कार बांटने के लिए। कल आधा बांटे हुए हैं और देखिए आधा बचा हुआ है, तो इसको आज बांट देते हैं पूरा गोतिया लोग में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों बस्ती, जहाँ हम लोग का पुराना घर है, तो वहीं पर जाकर के अभी बांटेंगे गोतिया लोग को, है ना जी? हाँ जी, पूरा तो एकदम रिश्तेदारी में हो गया है दोस्तों, सिर्फ गोतिया लोग में बाकी है। तो आज गोतिया लोग में भी बांटा जाएगा दोस्तों, पूरा एकदम कम्प्लीट हो जाएगा कार्ड बांटना, है ना जी? देखिए हम लोग साथ में जा रहे हैं दोनों पति पत्नी, ना जी, कार बांटने के लिए साली साहिबा का शादी का कार्ड पूरा। देखिए एकदम धूप इतना तेज लग रहा है ना,
लेकिन हम लोग को धूपे धूप जाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग का समय नहीं मिल पाता है। हम लोग इधर फिर शाम में खाना पीना बनाना, घर का काम करना, यही सब में बिजी रह जाते हैं। तभी हम लोग सोचे कि अभी धूप धूप में सभी कोई घरे में होंगे, तो चलते हैं कार वगैरह बाहर करके आएंगे, है ना जी? हाँ जी। चलिए तो हम लोग पहुंच गए दोस्तों अपना गांव, इधर से ही कार देते हुए चलते हैं, है ना जी? हाँ जी। चलिए आइए। हाँ चलिए। पेन वगैरह है ना? हाँ है। हाँ आइए। देखिए यहाँ पर चाची हैं, चाची को देते हैं पहले। लीजिए चाची। तो चाची को कार दे दिया दोस्तों, अब चलते हैं आगे देते हैं, है ना जी? हाँ दीजिए दीजिए, लिख लेते हैं। रंगीरा पापा भी नाम लिख लिए हैं कार्ड में और चाची सब का नाम कार्ड दे रहे हैं। अब उधर एगो चाची तो है। हो गया जी। हाँ उधर एगो चाची है, उधर चाची है दादी को। हाँ तो उधर चाची लोग को दे दिए दोस्तों कार्ड, अब यहाँ पर दादी को देते हैं, उसके बाद में चलते हैं, इधर हो जाएगा। हाँ घरे में ले हमार सालिक भी है। दीदी बहने कार्ड बांटी दे रहा है। ठीक है ठीक है। हाँ शादी में अब कैसे नहीं। हाँ तो यहाँ पर भी हो गया है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। उधर उधर एक दो ठो बाकी है, दे लेंगे और चलेंगे सीधे घर। हाँ चलिए। तो चलिए जी। हाँ चलिए। तो उधर नीचे तरफ सभी को कार दे दी है दोस्तों, अब यहाँ पर दो घर बाकी है, यहाँ पर दे रखते हैं और चलते हैं, है ना जी? हाँ जी। दे दीजिए बाबू मुन्नी लो कार। लो पकड़ो, लो पकड़ो, पकड़ा दीजिए। मौसी का शादी है, मौसी का शादी में आइएगा, है ना? मौसी की शादी है। हाँ हाँ हाँ। उधर चाची को दे रखिए, उसके बाद में चलेंगे घर। इधर तो हो गया पूरा, है ना? दे दीजिए चाची को। हो गया ना? हाँ, तो सभी को कार दे दी है दोस्तों, अब सीधे चलते हैं घर। यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया एकदम, गांव में भी और पूरा रिलेशन में भी हो गया है दोस्तों, कार्ड बांटा हुआ। इधर जितना हम लोग को मिला हुआ था सभी को कार्ड दे दिए हैं, अब हम लोग का कार्ड बांटने का काम खत्म, ना जी? हाँ। तो चलिए अब चलते हैं। तो घर हम लोग आ गए दोस्तों, आज हम लोग पूरा कर पाए हैं कार्ड बांट के, है ना जी? हाँ। पूरा इधर अपना गांव और पूरा रिलेशन में दे दिए, जो इधर छूटा हुआ था सभी को दे दिए हैं, है ना जी? चलिए अब थोड़ा मोड़ा खाना पीना खाते हैं, उसके बाद में लगते हैं काम पे, है ना? हाँ। आइए। तो दोस्तों अभी शाम हो चुका है और देखिए कविता जी और मेरा भाई दोनों रेडी हो गए हैं दोस्तों। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रज्ञा केंद्र, क्योंकि मेरा भाई 10वीं का परीक्षा लिखा हुआ था, बोर्ड परीक्षा, तो उसी का रिजल्ट आ गया है दोस्तों। तो हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं तो हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग देखने ही नहीं जान रहे हैं कि कैसा देखते हैं। तो हम लोग इसीलिए सोचे कि हम लोग प्रज्ञा केंद्र जा करके पता करते हैं कि रिजल्ट कैसा आया हुआ है। मेरा भाई तो पूरा एकदम मेहनत करता था, पूरा अच्छा से पढ़ाई करता था, तो देखते हैं कि वहाँ पर कैसा परीक्षा का फल आया हुआ है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों प्रज्ञा केंद्र, है ना? तो चलो विजय। तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं दोस्तों, देखिए साथ में मेरा भाई और कविता जी भी जा रहे हैं साथ में। तो हम लोग निकल गए हैं दोस्तों घर से, हम लोग फटाफट चलते हैं क्योंकि शाम भी हो गया है और हम लोग को आना भी है। और एकदम हम लोग अगर मतलब अगर विजय अगर पास हो गया होगा ना तो पूरा एकदम खुशियां मनाते हुए आएंगे, क्या विजय? बढ़िया से लिखा है ना? पास करेगा तो। हाँ तो देखते हैं कैसा परीक्षा फल आया है, कहा है कि एकदम इतना दिन से पढ़ाई कर रहा था तो उसका क्या परिणाम आया है, देखेंगे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं दोस्तों, अभी हम लोग जा ही रहे हैं, तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए। तो हम लोग प्रज्ञा केंद्र पहुंच गए दोस्तों, देखिए यही रहा प्रज्ञा केंद्र, भैया तो हैं अभी, यहीं पर हम लोग निकाले थे दोस्तों यूट्यूब वाला पैसा। रिजल्ट देखना है विजय बाबू का, एडमिट कार्ड दीजिए, लाए हैं ना? तो अभी हम अपना भाई का रिजल्ट देखने के लिए आए हुए हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर दे रहे हैं एडमिट कार्ड, देखिए तो चेक कीजिए, देखिए अभी चेक कर रहे हैं भैया। अब रिजल्ट कैसा आता है? बहुत दिन से हम लोग का लालसा था दोस्तों कि हम लोग रिजल्ट देखेंगे कि भाई का कैसा मतलब मेहनत किया हुआ है, कैसा फल आता है। तो अभी देख रहे हैं भैया, हम लोग एकदम सोच रहे थे कि कब से रिजल्ट आएगा, तो हम लोग पूरा एकदम बढ़िया है, फर्स्ट आया है, पूरा फर्स्ट। अच्छा चलिए, तब पूरा एकदम डबल खुशी मिल गया एकदम। हम लोग सोचते हुए आ रहे हैं कि मतलब फेल क्या है कि पास क्या है, ऐसा मतलब हम लोग का मतलब सोच में आ रहा है।
फर्स्ट ग्रेड है तो गांव में ऐसा कोई नहीं होगा। अच्छा रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट आया है। चलिए बहुत अच्छा है, फर्स्ट आया। पूरा एकदम खुशी का माहौल छा गया दोस्तों, एकदम मजा आ गया। मेरा भाई एकदम पूरा फर्स्ट कर गया, एकदम पूरा एकदम मिठाई वगैरह एकदम चलेगा अभी, पूरा एकदम पूरा खुशी खुशी एकदम हम लोग मिठाई लेकर के चलेंगे अभी। बढ़िया रिजल्ट आया है ना, हाँ, इसको निकाल दीजिए। तो आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों, मेहनत का फल एकदम पूरा मीठा होता है। तो मेरा भाई एकदम पूरा मेहनत कर रहा था, एकदम पूरा मेहनत से पढ़ाई किया और देखिए पूरा एकदम गांव में एकदम पूरा नाम रोशन कर दिया, पूरा एकदम हम लोग का एकदम नाम रोशन कर दिया, पूरा एकदम घर का पूरा एकदम सभी का एकदम नाम ऊंचा कर दिया। बहुत ही एकदम मस्त एकदम किया है, वाह विजय बाबू एकदम हम लोग का एकदम पूरा एकदम नाम ऊंचा कर दिया। बहुत बहुत मतलब समझिए कि बहुत बहुत बधाई एकदम, आगे के लिए शुभकामना, एकदम पढ़ाई करते रहिए अच्छा से। तो अभी निकाल रहे हैं दोस्तों, भैया अभी प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद में चलेंगे। निकल रहा है भैया? तो अभी रिजल्ट प्रिंट हो रहा है दोस्तों, तब तक हम मिठाई वगैरह लेकर के आते हैं, भैया को भी मुंह मिठाई करवाएंगे, तो हम चलते हैं मिठाई लेने के लिए, है ना। यहीं पर प्रिंट करवा के रहिए, हम आते हैं। तो हम चल रहे हैं दोस्तों होटल, मिठाई वगैरह लेंगे और चलेंगे। तो हम होटल आ गए दोस्तों, यहाँ पर लड्डू वगैरह ले लेते हैं और चलते हैं। देखिए यहाँ पर ताज़ा लड्डू बना हुआ है, 1 किलो लड्डू दीजिए भैया। हाँ, तो लड्डू ले लिए हैं दोस्तों, अब चलते हैं, सभी को मुंह मीठा करवाते हैं और चलते हैं घर। देखिए पूरा एकदम शाम हो गया है, तो हम आ गए दोस्तों मिठाई लेके। विजय अपने हाथों से मुंह मीठा करवाएगा सभी को, दो दीजिए है ना, सभी को मिठाई दो। देखिए अभी खोल रहा है और कविता जी भी साथ में हेल्प कर रही है ना जी। चलिए दोनों देवर भौजा एकदम बांटिए मिठाई, एकदम सभी को मुँह मीठा करवाइए खुशी खुशी, क्योंकि पूरा गांव में फर्स्ट आया है ना भैया। हाँ चलिए बढ़िया है, कहे कि मेहनत भी काफी किया था ना। सभी को दीजिए, सभी को भाभी को भी दीजिए, खाइए जी भैया। कहे कि आपका देवर पास किया है ना, पूरा फर्स्ट डिवीजन किया है, पूरा गांव में टॉप किया है, उसका खुशी में खाइए पूरा एकदम मीठा। पूरा गांव का आदमी हम लोग यहाँ पे, हाँ हाँ सबको, हाँ हम लोग के एक हम लोग के एक गोतिया है, हम लोग का ही गोतिया है दोस्तों, पूरा एकदम हम लोग एक ही खानदान के हैं ना भैया। हम लोग का खानदान का नाम ऊंचा हो गया, हाँ हम लोग का खानदान का नाम ऊंचा हो गया आज एकदम। गाँव में ऐसा कोई टॉपर नहीं किया था हम लोग का, जो गोतिया में हम लोग क्या बोलते है, अपना फैमिली में कोई ऐसा टॉपर नहीं किया था, इतना मार्क आया है, इतना मार्क्स आया है। चलिए बहुत खुशी की बात है दोस्तों, तो हम भी यही खुशी में मुंह भी मीठा कर लेते हैं। देखिए लड्डू मिल गया है, तो यहाँ पर सभी को मुंह मीठा कर लिए दोस्तों। अब सीधे चलते हैं हम लोग घर, सब काम तो हो गया ना। हाँ, तो हम लोग निकलते हैं सीधे घर दोस्तों, क्योंकि काफी शाम हो गया है, हम लोग अभी जाने में भी लगेगा हम लोग को आधा घंटा ना जी। चलिए फटाफट चलते हैं, तो घर हम लोग पहुँच गए दोस्तों, चलिए फटाफट सभी को अभी मुंह मीठा करवाएंगे, पूरा एकदम खुशी खुशी एकदम, है ना। पूरा एकदम मजा आ गया दोस्तों हम लोग को, एकदम इतना अच्छा लगा ना, एकदम सभी को मुंह मीठा करवाए। और अभी हम लोग आ गए घर, अभी घर में मुंह मीठा करवाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए दोस्तों, और इधर देखिए पापा अभी बैठे हुए हैं, और लक्ष्मी देखिए कितना मस्त खेल रही है, वाह लक्ष्मी वाह, पूरा एकदम खेल रही है ना। हाँ पूरा एकदम लक्ष्मी खेल रही है। और इधर देखिए दोस्तों मम्मी भी बैठी हुई है, हाँ। और देखिए पूरा एकदम भाई एकदम खुशी खुशी एकदम, देखिए किसे घर आ गया एकदम। तो इधर मम्मी अभी बैठी हुई है दोस्तों, रिजल्ट का इंतजार कर रही है कि कैसा विजय का रिजल्ट आया। तो पापा रिजल्ट आ गया एकदम मस्त, एकदम कैसा रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा, जय श्री मन्नारायण, जय श्री, पूरा एकदम अपना खानदान का ना नाम रोशन कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खुशी में मिठाई भी ले लिए हैं, देखिए उसी का हाथ में है, मिठाई खिलाओ बाबू, सभी को मिठाई खिलाओ। देखिए इधर मम्मी बैठी हुई है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी तो खुशी, इसीलिए लक्ष्मी को खुशी आ रहा है। हाँ खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, चलिए इसी तरह से नाम रोशन करते रहिए अपने खानदान का, अपने गांव का, है ना। पूरा देखिए मुंह मीठा करवा रहे हैं अभी सभी को, हम लोग मुंह मीठा कर लिए पापा,
तो आज हम लोग का पूरा परिवार में एकदम खुशी का माहौल छा गया है दोस्तों, पूरा एकदम मजा आ गया, कहा कि इसका रिजल्ट आ गया ना, पूरा एकदम खुश है हम लोग सभी को एकदम, पूरा परिवार है देखिए एकदम हम लोग जमा हुए हैं, पूरा एकदम बैठे हुए हैं, देखिए उधर मम्मी और कविता जी हैं और इधर हम लोग हैं, पूरा एकदम खुश है हम लोग। तो कहते हैं किसी तरह सभी का पुत्र रिजल्ट अच्छा करे। अच्छा चलिए बढ़िया है, मतलब अच्छा हुआ पुत्र मिले, इसी के कारण सबका नाम रोशन हो समाज का। तो पूरा परिवार में हम लोग खुशियां मना लिए दोस्तों, हम लोग सभी को मुंह मीठा कर लिए हैं और अभी हम लोग बैठे हुए हैं और देखिए काफी रात भी हो गया है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।